नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। आज कानपुर में सीआईएसई व आईसीएसई की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। जी हां, आईसीएसई में 10th व आईसीएसई में 12th की परीक्षा में छात्रों ने जमकर अंक प्राप्त किए हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको एक छात्रा से मिलवाएंगे जिसका नाम है आक्षी, जो कि सिविल लाइंस शीलिंग हाउस स्कूल में की छात्रा है। उन्होंने कानपुर के अंदर 4th स्थान प्राप्त किया है और अपने स्कूल के अंदर 2nd स्थान प्राप्त किया है। आइए हम बात करते हैं आक्षी शाह जी। आक्षी शाह, आक्षी जी, आपने भी जो स्कूल अपीयर कराया क्लास, वो कौन सा क्लास था, कौन से स्कूल से करा था आपने? मैं क्लास 10th शीलिंग हाउस स्कूल से हूँ और मैं अभी आईसीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में मैं अपीयर हुई थी, जिसमें मेरे 98.4% आए और मैंने स्कूल में सेकेंड टॉप किया। आपने सेकेंड टॉप किया है, तो आपकी मेहनत कितनी रही होगी इसमें? इसमें मेरी मेहनत भी रही, साथ ही साथ मेरे मम्मी पापा का भी कंट्रीब्यूशन रहा है। जो उनके सैक्रिफाइसेस हैं, उन्होंने मेरे लिए बहुत टाइम डिवोट किया। जहाँ भी मुझे गाइडेंस चाहिए थी, वो मेरे साथ हमेशा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने मेरी पढ़ाई में भी मदद करी है। मेरी मम्मी मेरी हमेशा से बचपन से ही टीचर रही हैं, तो जब भी मतलब फेलियर्स थे, सक्सेस थी, तो उन्होंने मुझे उस टाइम में मदद किया और मुझे आगे बढ़ने में भी मदद किया। आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? मैं हर रोज़ 4 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी में ज़रूर दिया करती थी, और रिवीजन करना, रेगुलर टेस्ट लेना और स्कूल को क्लोजली एकदम फॉलो किया करती थी। क्या आप ट्यूशन लेते थे? यस, मैं ट्यूशन्स लेती थी। मैं साइंस सब्जेक्ट के लिए ट्यूशन्स लिया करती थी, जिससे कि मैं अपने रेगुलर टेस्ट हो सके और मैं अपने वीकनेसेस को करेक्ट कर सकूं। अभी आने वाले जो बच्चे हैं जो 10th के एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहोगे? रेगुलर रिवीजन ज़रूरी है, साथ ही साथ अपने वीकनेसेस को करेक्ट करना भी ज़रूरी है, और अपने स्कूल टीचर्स की हमेशा मदद लेनी चाहिए। कभी डाउट्स को छोड़ना नहीं चाहिए। कई बार होता है कि हम लोग सोचते हैं कि डाउट्स कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, लेकिन वो कभी भी सही नहीं होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी डाउट्स हो उन्हें क्लियर करें, प्रैक्टिस हमेशा रोज़ करें प्रैक्टिस। अगर आप रोज़ 2 घंटे भी दें, पर उसे रेगुलर रखना चाहिए कि आपने एक दिन 10 घंटे पढ़ा और दूसरे दिन नहीं पढ़ा तो उसका फायदा नहीं है। तो रेगुलरिटी इज अ मस्ट। स्कूल का श्रेय कितना रहा आपकी पढ़ाई में? क्या स्कूल के टीचर्स का कितना आपके तरफ मोटिवेशन रहा? मेरे स्कूल के टीचर्स बहुत मोटिवेटिंग थे। मेरी प्रिंसिपल वनीता मैम ने भी मुझे हमेशा से मतलब जब भी मुझे एडवाइस चाहिए थी वो मेरे साथ थी। मेरे स्कूल के टीचर्स मतलब मेरे एक फ्रेंड और एक गाइडेंस की तरह वो काम करते थे। उन्होंने जब भी मुझे कोई डाउट होता था वो क्लियर करते थे। जब भी कोई परेशानी हुई तो उन्होंने मतलब हिचकिचाया नहीं, और मैं भी कभी मतलब इतना फ्रेंडली उनका बिहेवियर होता था कि मैं कभी डरी नहीं उनसे पूछने में। साथ ही साथ जो मेरी वीकनेसेस थी उनको भी उन्होंने करेक्ट करने में मेरी बहुत मदद की। पढ़ाई के साथ साथ कोई करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपकी परफॉर्मेंस? जी, मेरी फेवरेट हॉबी क्रिएटिव राइटिंग है। मैं कई इंटर स्कूल क्रिएटिव राइटिंग कॉम्पिटिशन्स में भी जा चुकी हूँ और मेरे प्राइजेस भी जीते हैं। साथ ही साथ क्लास 8th में मैं इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड में मेरी फर्स्ट लेवल में फर्स्ट रैंक आई थी। साथ ही साथ क्लास 5th में मेरी साइंस ओलंपियाड में स्टेट लेवल में 3rd रैंक आई थी। और मुझे बुक्स रीड करना बहुत पसंद है। हैरी पॉटर और डैन ब्राउन मेरी फेवरेट बुक्स में से एक है। इन सारी बातों से आप बाकी के जो बच्चे हैं ये सुन रहे हैं, हैरी पॉटर्स आप पढ़ते हो, तो उनको आप बताना चाहेंगे कि आप किस समय में पढ़ते थे? अपनी पढ़ाई को पूरा कंप्लीट करके टीवी देखना या ये ऐसे बुक्स पढ़ना, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जैसे क्लास 10th में टाइम कंस्ट्रेंट हमेशा ही रहता है, तो मैं रिलैक्स करने के लिए ये बुक्स को पढ़ा करती थी, और मैं ज़्यादा इंटरनेट में भी नहीं क्योंकि टाइम वेस्ट करती थी, क्योंकि आजकल फ़ोन के साथ एडिक्शन होना एक मेजर प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैंने कभी फ़ोन देखा नहीं ज़्यादा। केवल उसे स्टडीज के कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, डाउट्स सॉल्व करने के लिए या फिर क्वेश्चंस करने के लिए मैं यूज़ करती थी। खाली टाइम में ये बुक्स मैं रीड करती थी। इससे मेरे इंग्लिश लैंग्वेज का कंसेप्ट भी क्लियर हुआ, साथ ही साथ मेरा इंग्लिश का लेवल भी बढ़ा, क्योंकि आईसीएसई एग्जाम्स में इंग्लिश एक बहुत ही
डिसाइडिंग फैक्टर होता है आपका रैंक, तो इसलिए इस तरह से रीडिंग ने मेरी बहुत मदद करी है। के साथ ज़रूरी है कि हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करें, क्योंकि पढ़ाई करते करते हमारा माइंड थक जाता है, तब हम लोग स्पोर्ट्स में लेके या पेंटिंग में पार्टिसिपेट करके हमारा माइंड फ्रेश हो ही जाता है। साथ ही साथ अगर हम स्पोर्ट्स करते हैं तो हमारा बॉडी भी फिजिकली एक्टिव रहती है और माइंड भी एक्टिव रहता है। आप देख ही सकते हैं, जैसे मेरे यहाँ पे मेडल्स रखे हैं, मैंने ये मेडल्स और सर्टिफिकेट्स एथलेटिक्स में भी जीते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि केवल हम पढ़ें, पढ़ने के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी है। अमित जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक बेटी होने के नाते आपको अपनी बेटी पे गर्व हुआ होगा, उसने इतने अच्छे मार्क्स लाया, स्कूल में सेकंड रैंक है उसकी और कानपुर सिटी में उसकी फोर्थ रैंक है, तो क्या कहना चाहेंगे बेटी को लेके? बेटी को लेकर बहुत ही गर्वान्वित मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं ही नहीं पूरा स्कूल पूरा शहर इसके इस रिज़ल्ट को देख के बहुत खुश हो रहा है। और इसके इस साल पूरे शुरू से इसने जो मेहनत की है वो इस बार देखने को मिली है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, ये था कि थोड़ा कोरोना काल में थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था, कुछ पेपर रह गए थे, उसके लिए चिंतित थी, मगर ये था कि इसने साल भर और शुरू से इसने मेहनत करी है और इसकी माँ ने और पूरे स्कूल ने इसके जो गाइडेंस इसको ट्यूशन से मिली है बाकी सब टीचरों से लेकर, बहुत ही टीचर आक्षी तो थी कॉन्फिडेंट में, मगर हाँ हम लोग को भी लग रहा था कि इसका कुछ ना कुछ आएगा, मगर हाँ इतना अच्छा आएगा वो रिजल्ट देखने के बाद बहुत ही खुश हुए हम लोग। मैडम, क्या नाम है आपका? देवश्री सहा। मैडम, आपकी बेटी ने आपका सर गर्व से ऊंचा कर दिया है पढ़ाई के सिलसिले में और उसने इतनी अच्छी रैंक लाया, तो आप क्या बताना चाहोगे? बेटी और बेटे को फ़र्क भी नहीं आपने समझा, इसको किस तरीके से गाइड करा थोड़ा सा बताएंगे? बेटी और बेटे में कभी भी फ़र्क करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों में कैपेबिलिटी एक जैसी है। आप दोनों को एक जैसा मोटिवेट कीजिए, एक जैसा स्टडीज़ में उनको मदद कीजिए, देखेंगे बेटी बेटे से इक्वली नहीं है बल्कि बहुत आगे बढ़ चुके हैं आज के दिनों में। हमारी बेटी, हमारे दोनों बेटी हैं, पर हमें लगा नहीं कभी कि मेरी बेटी है, ये मेरे बेटे जैसे ही हैं। और आज आप देख सकते हैं कि मेरी बेटी के लिए ही कि मैं आज इतनी गर्व से हूँ, इतनी खुश हूँ आज ये मैं। आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय, हाँ, मेरी बेटी की मेहनत तो है, रेगुलर स्टडीज है, पर उनके स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल और घर में भी जो टीचर्स उनको गाइड किया, इन सब के हाँ, मैं थैंकफुल हूँ कि मेरे बेटी को उन्होंने इतना गाइड किया और आगे बढ़ने में मदद की। उनके जितने भी प्रॉब्लम्स आए आक्षी के, वो क्लियर करने में उन लोगों ने मदद की।